भाजपा की राप्ती नगर की निर्विरोध पार्षद पूनम सिंह ने वार्ड की जनता को धन्यवाद दिया, जिसके संबंध में राप्ती नगर की निर्विरोध पार्षद पूनम सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 80 से जनता के आशीर्वाद से निर्विरोध चुनी गई हूं और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आशीर्वाद दिया है। इसके अलावा जो कार्य बचे हैं उनको पूरा करवाया जाएगा और शासन द्वारा चल रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के निर्विरोध पार्षद पूनम सिंह व प्रतिनिधि छोटू सिंह ने कहा, वार्ड नंबर 80 से मैं निर्विरोध चुनी गई हूँ। वार्ड का नाम राप्ती नगर है। सहयोग मेरे पूरे जनता का सहयोग प्राप्त है। निर्विरोध चुने जाने में मेरे जनता का बहुत बहुत सहयोग मिला है। सारे जनता हमें निर्विरोध चुन के लाई है। महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया जी, क्या कहा आपने? आशीर्वाद दिया। आगे कैसे काम करेंगे, किस तरह से लोगों की जनता के बीच में जाएंगे, वार्ड क्या क्या समस्याएं आपको कैसे दूर करेंगे? जनता के बीच में मेरी समस्याएं तो बहुत कम ही बच गई है। जो भी विकास का काम थोड़ा बहुत बचा है, एक दो सड़कें ऐसी है जो बच गई हैं, जो गली है उसी को विकास को आगे बढ़ाऊंगी और भी जो हो सकेगा आगे, जितना भी सरकार का प्रधानमंत्री आवास ये जो भी विकास का क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ाऊंगी। नाम जी पूनम सिंह। समस्या बहुत नहीं है, समस्या थोड़ी बहुत जो बची है वो चुनाव अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद वो भी पुनः प्रारंभ हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा काम है जो बाकी है जिसको आगे आप पूरा करना चाहेंगे? एक छठ घाट बनवा रहा हूँ गंगानगर में, उसमें लगभग 25% काम बाकी है और 3 सड़कें हैं प्रमुख रूप से वार्ड में, एक राप्ती नगर की है, एक राम जानकी नगर की है और एक चंद्रगुप्त नगर की है। इसके अलावा कोई कार्य बचा नहीं है मेरे वार्ड में। जनता की समस्याएं? समस्याएं तो कोई नहीं बची, प्रधानमंत्री आवास था लगभग सबका पूरा हो चुका है, इक्का दुक्का है तो DPR बन के गया है, वो भी आ जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। नाम ब्रिजेश सिंह छोटू, निवर्तमान पार्षद राप्ती नगर।